सो हे हाय दिस इज योर होस्टर मेटर प्रेम पांडे वेलकमिंग यू ऑल टू एजुकेशनल हाइक सो केम छो म ओके आज की इस वीडियो की बात करते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ के बिहाइव बुक का चैप्टर नंबर थ्री द लिटिल गर्ल स्टार्ट नहीं करेंगे हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट अपलोड कर रखा है इस चैप्टर का नाउ दिस इज पार्ट ऑफ ऑलरेडी बिहाइव बुक का चैप्टर नंबर वन टू उनकी पोएम्स सबने चैनल पर अपलोड कर रखी है अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखी है ना तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करो वहां पर हमने चैप्टर वाइज लिंक्स दे रखी है लिंक पर क्लिक करो और उस चैप्टर की वीडियो ओपन हो जाएगी अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो कृपया सब्सक्राइब करने का कष्ट करें बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार हर बार मिलती रहे सो so, चलो कंटिन्यू करते हैं हम द लिटिल गर्ल चैप्टर को ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर रखा है तो ये सारी चीजें हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ रखी थी ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ रखा है नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर पैराग्राफ नंबर सेवें फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि ये जो छोटी बच्ची केजिया है ना वो अपने पापा से इतना क्यों डरती थी वो हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया है हमने फर्स्ट पार्ट में ये भी देखा कि भैया केजिया ने ना एक गलती कर दी थी उसने ना अपने पापा को खुश करने के चक्कर में उनके लिए एक तकिया बना रही थी और भाई तकिया बनाने के चक्कर में ना वो अपने पापा के स्पीच को फाड़ कर, उसी तकिए के अंदर भर देती है अब उसके पापा काफी गुस्सा हो जाते हैं आगे देखो होता क्या है crying टू मच टू एक्सप्लेन सी ले इन द सैडोड रूम वॉचिंग द एवनिंग लाइट मेक अ सैड फर्स्ट पार्ट की लास्ट में देखा था कि केजिया के फादर ना केजिया को उसके रूम में जाने को बोलते हैं अब रूम में जाने के बाद आगे क्या होता है क्राइम टू मच टू एक्सप्लेन अब केजिया इतना ज्यादा रो रही थी ना कि वो अपने पापा को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि उसने ऐसा क्यों किया सी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द एवनिंग लाइट अब के आपने रूम में गई वहां उसके रूम में ना शाम का टाइम था तो रोशनी आ रही थी सूरज की रोशनी उसके बालकनी से छन के उसके रूम में आ रही थी और केजिया ना उसी लाइट को जो उसके फ्लोर पर पड़ रही थी ऐसा होता है ना हमारे घरों में हमारे हमारे बालकनी से जब सूरज देवता की लाइट आती है हमारे घर में तो एक अलग सा पैटर्न बन जाता है जैसे आप फिगर में देख पा रहे हो कुछ ऐसी ही लाइट केजिया के रूम में आ रही थी और केजिया इसी लाइट को बहुत उदास होकर रोते रोते देख रही थी देन फादर के द रूम उसके बाद केजिया के पापा केजिया के रूम में आते हैं उनके हाथ में एक लोहे की छड़ी होती है क्या करने वाले हैं इस छड़ी से? के से कहते हैं अब तुम सावधान हो जाओ मैं तुम्हें मारने वाला हूं तुमने ये जो किया है ना ये तुमने जो इतना घटिया काम किया है ना मेरी स्पीच को फाड़ के तकिए में भर दिया ना इसके लिए मैं तुम्हें मारने वाला हूं केजिया कहती है नहीं नहीं पापा नहीं वो चिल्लाती है हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ केजिया इतना ज्यादा डर जाती है ना वो कहती है नहीं पापा नहीं पापा मुझे मार नहीं खानी है और इतना कहते कहते वो अपने बिस्तर का जो चादर था ना चादर में छुप जाती है बेड क्लोथ्स का मतलब क्या होता है जो बेड पर बिछाए गए चादर थे ना चादर के पीछे केजिया जाकर छुप जाती है पुल्ड देम असाइड लेकिन केजिया के पापा मानने वाले थोड़ी हैं। वो केजिया को खींच के बाहर लाते हैं और कहते हैं सिटअप ठीक से बैठो एंड होल्ड आउट योर हैंड्स और अपने हाथ को बाहर निकालो यू मस्ट बी टॉट वंस तुम्हें एक बार तो जरूर सिखाया जाना चाहिए कि भाई जो चीज तुम्हारी नहीं है उसको टच नहीं करना चाहिए केजिया के फादर क्या कहते हैं कहते हैं एकदम ठीक से बैठ जाओ और अपने हाथ को बाहर निकालो क्यों क्योंकि यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू केजिया के फादर कहते हैं तुम्हें यह एक बार सिखाना बहुत जरूरी है हमेशा के लिए तुम सीख जाओगी कि भैया जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे टच नहीं करते हैं केजिया अपने पापा की स्पीच को फाड़ के तकियम भर दी थी ना उनसे बिना पूछे इसीलिए वो कह रहे हैं कि दूसरों की चीज तुम्हें टच नहीं करनी चाहिए और ये तुम तभी सीखोगी जब तुम्हें मार पड़ेगी। तुम्हेंजिया अपने बचाव में कहती है बट इट वॉज फॉर योर बब्बा बर्थडे पापा पापा मैं आपकी बर्थडे के लिए ये गिफ्ट बना रही थी ना आप फिर भी मुझे मारोगे डाउन केम द रूलर हर लिटिल पिंक पाम्स लेकिन केजिया के पापा कुछ नहीं सुनते हैं वो लोहे की छड़ी लेकर उस केजिया के छोटे छोटे गुलाबी हथेलियों पर तेज से मार देते हैं अब केजिया रोने लगती है केजिया रोने लगती है रोती है रोती है और उसके पापा वहां से चले जाते हैं आगे क्या होता है आर्स लेटर घंटों बाद केजिया की दादी माँ आती है केजिया के रूम में और केजिया को रैप कर देती है ढक देती है किस चीज से अपने सॉल से अपने सॉल से ढक देती है और केजिया को एक रॉकिंग चेयर पर रॉक कर देती है रॉक का मतलब बिठा देती है रॉकिंग चेयर पर रॉकिंग चेयर का मतलब क्या होता है वो झूलने वाला चेयर होता है ना जिससे लोग आगे जाते हैं पीछे आते हैं आगे जाते हैं पीछे आते हैं ऐसा चेयर कुछ देख पा रहे हो इसी को रॉकिंग चेयर कहते हैं तो भाई केजिया की दादी माँ आती है और केजिया को सॉल में लपेट कर, उसे रॉकिंग चेयर पर बिठा देती है लेकिन केजिया इतनी डरी हुई थी द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी जो केजिया थी ना वो इतनी डरी हुई थी कि वो अपने दादी माँ से चिपक जाती है क्लंग का मतलब क्या होता है चिपक जाना अपनी दादी माँ के मुलायम शरीर से चिपक जाती है क्योंकि वो बहुत डरी हुई है और वो कहती है वॉट डिड गॉड मेक फादर फॉर She sobbed. Sobbed का मतलब होता है जो रोते रोते हम सिस्कारी भरते ना <laughs> ये वाली ये वाली ठीक है तो ये केजिया भी ना सिस्कारी भरते हुए कहती है कि दादी माँ ये भगवान जी ने फादर्स को क्यों बनाया है फादर्स बड़े खड़ूस होते हैं क्लीन हैंग की डार्लिंग ब्लो योर नोज अब उसकी दादी उसे समझाने की कोशिश करती है कहती है ये लो साफ रुमाल बेटा ठीक है अपने पहले नाक पोछो तुम बहुत रो रही हो गो टू स्लिप और जाके चुपचाप सो जाओ मेरी प्यारी बच्ची पेट का मतलब मेरी प्यारी बच्ची जाकर सो जाओ यू यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग तुम जब सुबह उठोगे ना तुम इन सारी चीजों के बारे में भूल जाओगी आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर केजिया की दादी माँ कहती हैं कि बेटा मैंने तुम्हारे पापा को समझाने की कोशिश की थी लेकिन वो इतने ज्यादा अपसेट थे ना कल रात कि उन्होंने मेरी बिल्कुल ना सुनी और तुम्हें मार दिया चलो तुम सो जाओ तुम कल जब सुबह उठोगी ना तो तुम बिल्कुल भूल जाओगी सब कुछ बट द चाइल्ड नेवर फॉर लेकिन वो बच्ची कभी नहीं भूलती है इस बात को कि उसके पापा ने उसे लोहे की छड़ी से मारा था नेक्स्ट टाइम सी हिम सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्ल्यू इन टू हर चिक्स और केजया जब अगली बार अपने पापा को देखती है ना ये देखो क्या लिखा है कि वो बच्ची कभी नहीं भूलती इस बात को कि उसके पापा ने उसे मारा था और अगली बार केजिया जब अपने पापा को देखती है ना तो वो जल्दी से अपने दोनों हाथों को अपने पीछे कर देती है और एक अजीब सा लाल रंग उसके गालों पर फैल जाता है ऐसा होता है ना हम जब डरते हैं तो हमारे गाल जो होते हैं वो बिल्कुल ब्लस करने लगते हैं लाल लाल हो जाते हैं तो वो केजिया भी ना अपने पापा के मार को भूल नहीं पाई थी और अगली बार जब वो अपने पापा को देखती है ना तो वो अपने दोनों हाथ पीछे कर लेती है और उसके गाल पर डर से गुलाबी गुलाबी रंग फैल जाता है मतलब पूरा उसका गाल गुलाबी हो जाता है ठीक है आगे देखते हैं क्या होता है मैकडोनाल्ड lived नेक्स्ट डोर अब यहां पर एक नए पर्सन की एंट्री होती है मिस्टर मैकडोनाल्ड की हमारे यहाँ बर्गर वाला मैकडोनाल्ड की बात नहीं हो रही है जैसे हमारे यहाँ गुप्ताज होते हैं राथोर्स होते हैं मल्होत्राज होते हैं वैसे अंग्रेजों में मैकडोनाल्ड्स होते हैं तो भैया मैकडोनाल्ड केजिया के पड़ोसी थे और वो केजिया के घर के बगल में रहते थे दे हैड फाइव children. मिस्टर McDonald के पांच बच्चे थे लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस लिटिल गर्ल सॉ देवनिंग एक दिन ना केजिया अपने बाउंड्री उसके घर के चारों तरफ जो बाउंड्री थी ना उसी बाउंड्री में एक छोटा सा छेद था होल था उसी होल में से केजिया मिस्टर मैकडोनल्ड के घर में देखती है तो वो क्या देखती है वो देखती है कि वो लोग क्या खेल रहे हैं पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं टैग खेल रहे हैं शाम को मिस्टर मैकडोनल्ड अपने बच्चों के साथ अपने पांचों बच्चों के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं केजिया देखती है कि मिस्टर मैकडोनल्ड जो पापा मैकडोनल्ड थे वो अपने छोटे बेबी जिसका नाम माऊ था अपने छोटे बेबी माऊ को अपने कंधे पर बिठाकर रखा है केजिया देखती है कि भैया माऊ के अलावा जो मिस्टर मैकडोनल्ड की दो बेटियां थी दो जो छोटी छोटी बेटियां थी वो मिस्टर मैकडोनल्ड के कोट के पॉकेट को पकड़कर उनके चारों तरफ राउंड राउंड घूम रही थी और वे सभी लोग राउंड द फ्लावर बेड्स और उनके यहां पर जो गार्डन था गार्डन में जो फूलों की क्यारी लगी हुई थी बेड्स का मतलब क्या होता है बगल में फिगर देख पा रहे हो आप यहां पर देख रहे हो यहां पर पूरे प्लांट्स का पूरा क्यारी लगाई गई है पूरे का लगाया गया है, है? इसी को हम flower beds कहते हैं, ठीक तो वो लोग फ्लावर बेड के चारों तरफ घूम घूम के पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे सेकिंग विथ लाफ्टर वो लोग खूब हंस रहे थे खूब खुश थे वो लोग खेजिया ये सब देखकर बड़ा सरप्राइज थी मेरे पापा तो ऐसे नहीं है वंस सी सॉ दॉयस टर्न द होज ऑन हिम केजी एक दिन देखती है कि मिस्टर मैकडोनाल्ड के जो बच्चे हैं जो बेटे हैं उनके वो क्या कर रहे हैं वो पाइप पकड़कर टर्न द होज ऑन हिम जो फायर ब्रिगेड के पास जो पानी वाली पाइप होती है ना जिससे वो घर को बुझाती है बिल्कुल वही पाइप मैकडोनाल्ड के दोनों बेटे लेकर उनके ऊपर पानी फेंक रहे थे और गीला कर रहे थे मिस्टर मैकडोनाल्ड को और मिस्टर मैकडोनल्ड इस बात पर बिल्कुल नहीं गुस्सा हो रहे थे बल्कि वो अपने बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे हंसते हंसते उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे चलो मैं फिगर भी दिखा देता हूं मिस्टर मैकडोनल्ड अपने बच्चों के साथ कैसे खेल रहे थे ये देखो केजिया अपने फेंस अपने बाउंड्री के बीच में जो गैप है उसमें से केजिया देख रही है देख रही है कि इनका जो छोटा बेटा माऊ है वो उनके सर पर बैठा हुआ है कंधों पर बैठा हुआ है उनकी दोनों बेटियां उनके कोट के पॉकेट कर, पकड़कर चारों तरफ घूम रही हैं ठीक है और जो मैं फूल की क्यारी की बात कर रहा था ये देखो ये है ना ये देखो ये है ना ये पूरे प्लांट्स के बेड्स लगे हुए हैं तो इसी के चारों तरफ ये लोग घूम रहे थे और खूब हंसी कर रहे थे खूब मजे कर रहे थे देन It was, she decided, there were different sorts of केजिया ने जब ये सब देखा मिस्टर मैकडोनल्ड को अपने बच्चों के साथ खेलते हुए देखा ना तो केजिया को एक बात तो समझ में आ गई केजिया ने एक बात का फैसला ले लिया केजिया को लगा कि इस दुनिया में अलग अलग तरीके के पापा होते हैं अलग अलग टाइप के पापा होते हैं एक मिस्टर मैकडोनल्ड को देखो वो अपने बच्चों के साथ कितना खेलते हैं और एक मेरे पापा हैं, कितने खड़ूस हैं बिल्कुल नहीं खेलते मेरे साथ हमेशा डांटते रहते हैं सडनली इसी बीच में केजिया की जिंदगी चलती रहती है अचानक एक दिन केजिया की माँ बीमार पड़ जाती है और केजिया की माँ और उसकी दादी माँ दोनों हॉस्पिटल चली जाती है ताकि केजिया के माँ का इलाज करा पाए बेचारी केजिया द लिटिल गर्ल वॉज घर में अकेली रह जाती है केवल उसके साथ उनका जो खाना बनाने वाला नौकर था एलिस केवल वही था केजिया के साथ घर में दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम कैसे तैसे करके केजिया ने दिन का समय तो बिता लिया केजिया को बिल्कुल याद नहीं आई अपनी माँ और दादी की दिन में लेकिन जैसे ही रात होती है जैसे ही रात होती है जब एलिस केजिया को लेकर उन्हें सुलाने जाता है केजिया को बेड पर तभी वो अचानक से डर जाती है सी सडनली अफ्रेड। केजिया अचानक से रात में जब सोने जाती है ना जब एलिस उन्हें सुलाने जाता है अचानक से केजिया डर जाती है और उठ के बैठ जाती है वो एलिस से पूछती है व्हाट विल आई डू इफ आई हैव अट मेयर मैं क्या करूंगी अगर मुझे बुरा सपना आएगा तो मैं क्या करूंगी अक्सर बुरे सपने आते हैं और फिर मेरी दादी मां ना मुझे अपने बेड पर ले जाती है और मैं उनसे चिपक के सो जाती हूँ आई कांट स्टे इन द डार्क मैं अंधेरे में बिल्कुल नहीं रह सकती मुझे बहुत डर लगता है ऐसा लगता है इट ऑल गेट्स मुझे ऐसा लगता है कि अंधेरे में से किसी के बोलने की आवाज आ रही है मैं बिल्कुल अकेले नहीं रहूंगी मुझे बहुत डर लगता है तभी एलिस केजिया को समझाता है और कहता है कि बच्चे यू जस्ट गो टू स्लिप तुम चुपचाप सो जाओ और फिर एलिस केजिया के मोजो को उतारता है उनके पैरों में से केजिया के मोजों को उतारता है और कहता है कि बच्चे अब आराम से तुम चुपचाप सो जाओ और एक बात का ध्यान रखना यू स्क्रीम चिल्लाना मत बिल्कुल भी मत चिल्लाना क्योंकि तुम्हारे पुअर पा तुम्हारे बेचारे पापा जो दिन भर काम करके आए हैं वो जग जाएंगे तुम चिल्लाओगी तो वो जग जाएंगे इसलिए चुपचाप सो जाओ कितना भी बुरा सपना देखना चिल्लाना मत क्योंकि तुम्हारे पापा बेचारे दिन भर से थके हुए हैं वो उठ जाएंगे बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर उस रात भी हर रात की तरह केजिया के सपने में बुरा सपना आता है केजिया एक बहुत बुरा सपना देखती है केजिया हमेशा एक ही सपना देखती थी कौन सा सपना था उसे सपने में दिखाई देता था कि एक कसाई है बुचर, एक कसाई है जो चाकू लेकर रस्सी लेकर केजिया के पास में आ रहा है नियरर एंड नियरर केजिया के पास में आ रहा है और वो एकदम एकदम भयानक सी हंसी वाली आवाज निकालता है जैसे रावण हंसता है ना बिल्कुल इसी तरीके से वो कसाई भी हंस रहा था ये सारी चीज केजिया अपने सपने में देख रही थी ठीक है वाइल्ड सी कुड नॉट मूव वो कसाई चाकू लेकर रस्सी लेकर केजिया के पास में आ रहा था लेकिन केजिया बिल्कुल हिलडुल नहीं पा रही थी वो बिल्कुल एकदम शांत से खड़ी थी वो भाग नहीं पा रही थी तभी नींद से उठकर केजिया चिल्लाती है ग्रैंड मा ग्रैंड मा दादी दादी सी वोक सिवरिंग वो अचानक से उठ जाती है नींद से उठती है उसका सपना टूटता है वो तुरंत डरते-डरते उठ जाती है है तभी वो क्या देखती टू सी फादर बिसाइड हर बेड वो देखती है कि उसके पापा उसके बेड के बगल में ही खड़े हैं उनके हाथ में एक कैंडल है एक मोमबत्ती है उसके पापा पूछते हैं बेटा क्या हुआ क्यों इतना तेज से चिल्ला रही हो तुम हेलो बच्चों मैं एक बार फिर से आ गया हूं आपके सामने फिलो एप्लीकेशन को लेकर मैंने बार बार बताया है इस पैंडमिक में अगर आपको कोई भी डाउट होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी में तो आप अपने डाउट को अपने टीचर से पूछोगे भाई तुम्हारा टीचर कॉल नहीं उठाने वाला तो यहां पर काम आएगा ये एप्लीकेशन आपको आप इस एप्लीकेशन को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा आपको अपना फोन नंबर एंटर करना है जैसे मैंने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया कंटिन्यू कर दिया मैंने अब आपको कंफर्मेशन कोड यहां पर आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा एंटर करो और आपका होम पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा अब आपके सामने दो रास्ते हैं अपने अपने क्वेश्चंस पूछने के या तो क्वेश्चन की पिक्चर ले लो जैसे देखो यहां पर कैमरा ऑन हो गया अपने क्वेश्चन की बाकायदा पिक्चर लेके यहां पर अपलोड कर दो या अपने क्वेश्चन को तुम पूछ भी सकते हो यहां पर टाइप करके फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछ दिया व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, वाट इज पाइथागोरस थ्योरम? नेक्स्ट कर दिया मैंने अब ये मेरा डाउट मैथमेटिक्स का है मैथमेटिक्स से लेकर ट्रेग्नामेट्री का है ये गेट कनेक्टेड टू द इंस्ट्रक्टर पर क्लिक कर दो कॉल जाएगी कॉल जाएगी टीचर के पास देखो टीचर कॉल उठाएगा देखा आपने टीचर ने कॉल उठाया और 30 मिनट्स तक वो आपके डाउट को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करेगा उसके बाद आपको क्रेडिट लिमिट परचेस करना होगा बट 30 लिमिट बहुत होता है और इसके अलावा आप अपने क्लास नाइन्थ एंड टेंथ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो देखो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर को सबमिट कर दो तो है ना धमाकेदार एप्लीकेशन डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है जाके डाउनलोड करो ओह अ नाइफ आई वांट ग्रैनी बेचारी केजिया डरते डरते कहती है कि मेरे सपने में वही वही कसाई आया था चाकू लेकर आया था मुझे दादी के पास जाना है ही आउट द कैंडल केजिया के पापा मोमबत्ती को बुझा देते हैं जो अपने हाथ में मोमबत्ती लिया था उन्होंने उसको तुरंत बुझा देते हैं बेंट डाउन नीचे झुकते हैं एंड कॉट अप चाइल्ड इन हिज Arms और केजिया को अपने गोदी में उठा लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं Carrying her along the passes to the big bedroom. और उसके बाद केजिया को गोदी में उठाकर गलियारे से होकर पासिस से होकर जो उनके घर में गलिहारा था गलियारे से होकर एक बड़े से बेडरूम में जाते हैं जहां पर केजिया के पापा सोते थे वहां पर उनके बेड पर केजिया के पापा के बेड पर एक अखबार रखा हुआ था केजिया के पापा अखबार को हटाते हैं ही पुट अवे द पेपर और फिर बड़े ही ध्यान से उस केजिया को उस बच्ची को टग्ड अप लिटा देते हैं बेड पर ही ले डाउन बिसाइड हर और फिर खुद भी वो केजिया के बगल में जाकर सो जाते हैं हाफ अस्लिप स्टिल अभी भी केजिया ना पूरी तरीके से नहीं सो पाई थी वो आधी नींद में थी तभी विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड लेकिन केजिया अभी भी अपने उस बुरे सपने को नहीं भूल पाई थी उसे लग रहा था कि वो कसाई जो उसके सपने में आया था वो अभी भी हंस रहा है स्माइल कर रहा है और केजिया को ऐसा लग रहा था कि उसके डरावने हंसी की आवाज कहीं अगल-बगल से ही आ रही है केजिया को लग रहा था कि अभी भी वो कसाई बगल में ही है म जैसे ही केजिया को याद आता है ना वो सपना वो तुरंत अपने पापा से जाकर चिपक जाती है her head under his arm. और अपने सर को केजिया ने ना केजिया जाकर तुरंत अपने पापा से चिपक जाती है क्रैप्ट क्लोज टू हिम और अपने सर को वो छुपा लेती है अपने पापा के भुजाओं के नीचे अपने पापा के हाथ के बीच में ना वो अपने सर को छुपा लेती है जैसे हम लोग बचपन में करते थे ना हमारे पापा हमें जब अपनी तरफ खींचते थे सोते सोते टाइम जब हमारे पापा हमारी तरफ खींचते थे ना तो हम उनके बाइसेप्स पर अपना सर रख के सो जाते थे बिल्कुल ऐसे ही केजिया भी उनके हाथों के बीच में अपना सर रख कर लेट गई हेल्ड टाइटली टू हिस्स और अपने पापा के शर्ट को बहुत तेज से पकड़ लिया क्योंकि अभी भी डर रही थी Then the dark did not matter. और उसके बाद जब केजिया अपने पापा से चिपक के सो गई ना उसके बाद कितना भी अंधेरा हो गया केजिया को कोई फर्क नहीं पड़ा ले स्टिल वो चुपचाप लेटी रही और तभी हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वॉर्म सेड फादर और तभी केजिया के पापा कहते हैं कि बेटा अपना पैर ना मेरे लेग्स से मेरे पैर से थोड़ा सा रब कर लो थोड़ा सा घिस लो तुम्हें थोड़ा सा गर्मी महसूस होगी तुम थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करोगी अभी भी केजिया के पापा को केजिया की चिंता थी ये सब केजिया देख रही थी ट्वेल्थ पैराग्राफ नंबर टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल लेकिन बेचारे पापा केजिया के पापा बेचारे दिन भर काम करके आए थे तो वो केजिया के सोने से पहले ही सो गए जैसे ही उसके पापा सो गए ना तो भाई केजिया के मन में एक बहुत ही मजाकिया सी फीलिंग आती है अ फनी फीलिंग केम ओवर हर केजिया सोचती है कि बेचारे पापा नॉट सो बिग आफ्टर ऑल ये इतने भी बड़े नहीं है जैसा मैं सोचती थी केजिया सोचती थी कि उसके पापा पूरे राक्षस हैं इतना बड़ा सा उनका मुंह इतना बड़ा सा गला लेकिन अब जब केजिया बिल्कुल उनसे चिपक कर सोई है तो केजिया को लगता है मेरे पापा उतने भी बड़े नहीं हैं और बेचारे पापा का कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं है एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम बेचारे पापा का कोई ख्याल भी नहीं रखता है He was harder than grandmother. केजिया को फील होता है कि केजिया के पापा का जो बॉडी थी जो केजिया के पापा का शरीर था जिससे चिपक कर वो सोई थी वो उसके दादी से ज्यादा सख्त था केजिया अपने दादी के पास भी सोती थी चिपक के और तब उसने फील किया था कि उसके दादी का जो शरीर है वो काफी मुलायम है लेकिन उसके पापा का शरीर काफी सख्त है बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस लेकिन कोई बात नहीं केजिया को ये सख्त ये हार्डनेस पसंद आता है उसे अच्छा लगता है एंड हैड टू वर्क केजिया आगे भी सोचती है कि बेचारे पापा को दिन भर काम करना पड़ता है और वो इतने थक जाते हैं शायद इसीलिए वो मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह हमारे साथ नहीं खेल पाते हैं केजिया आप सब कुछ समझने लगी थी केजिया जो अपने पहले अपने पापा से डरती थी अब वो उन्हें समझ रही है अब केजिया को रियलाइज होता है कि सी है टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग केजिया को याद आता है कि यार मैं कितनी बुरी हूं मैंने पापा ने पापा ने इतनी अच्छी स्पीच लिखी थी और मैंने उसको फाड़ के तकिए के अंदर भर दिया आगे जैसे ही केजिया को याद आता है कि उसके पापा ने उसे डांटा भी था मारा भी था उसके लिए तुरंत केजिया डर जाती है स्टीयर एकदम कांप जाती है अचानक से और एक गहरी सांस लेती है जैसे उसके पापा पापा को ऐसा फील होता है कि केजिया कांप रही है वो कहते हैं क्या हुआ बेटा अनदर ड्रीम क्या तुमने कोई और दूसरा बुरा सपना देखा क्या केजिया कहती है ओह नहीं पापा नहीं ऐसा कुछ नहीं है माय हेड इज ऑन योर हर्ट एक्चुअली ना मेरा सर आपके दिल पर रखा था मैंने और मैं पूरी तरीके से सुन पा रही थी कि आपका जो दिल है वो कितना तेजी से धड़क रहा है आई कैन हियर इट Going, आपके दिल को धड़कते हुए मैं सुन पा रही थी वॉट बिग हर्ट यू आपने कितना बड़ा दिल पाया है मेरे पापा।, I love you, पापा. और लास्ट में आखिरकार केजिया कह के ही देती है कि पापा आपका दिल कितना बड़ा है आखिरकार केजिया समझ जाती है कि उसके पापा उसे क्यों डांटते हैं उसके पापा उससे क्यों इतनी तेज आवाज में बात करते हैं ठीक है तो लास्ट पैराग्राफ में केजिया अपने पापा के बारे में थोड़ा अच्छा सोचती है केजिया को लगता है कि बेचारे मेरे पापा दिन भर काम करते हैं उनका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है शायद इसीलिए वो हमारे साथ नहीं खेल पाते हैं ठीक है अब केजिया का जो डर था वो अपने पापा के लिए प्यार में बदल गया है सो दिस वाज द ब्यूटीफुल चैप्टर रिटन बाय कैथरीन मैंस फील्ड होप यू हैव लव दिस चैप्टर चैप्टर को पढ़ने में मजा आया होगा अगर स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी का बेस्ट मोमेंट कॉमेंट जरूर करें और अगर किसी भी वर्ड किसी भी सेंटेंस में आपको कोई भी दिक्कत समझ में आता है तो जरूर कॉमेंट करें और हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे मिलते हैं एक और धमाकेदार और फैंटेस्टिक से वीडियो में तब तक के लिए सत श्री और जय हिंद